चंदनिया छुप जाना रे, छन भर को लुक जाना रे, नींद आँखों में आए बिटिया मेरी सो जाए। अरे रे रे, सोना नहीं बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर पुत्री मम खलु निद्राती। आपको क्या लगा, मैंने शुरुआत में लोरी सोने के लिए थोड़ी गाई, आज हम लोरी ही पढ़ने वाले हैं। हिंदी में लोरी, इंग्लिश में ललबाय, गुजराती में हालरडा। जी हाँ, वैसे ही आज हम संस्कृत की एक लोरी पढ़ने वाले हैं, पुत्री मम खलु निद्राती। माय डॉटर इज स्लीपिंग। जब छोटा बच्चा घर में सोया हुआ होता है तो सबसे ज़्यादा चिंता किसे होती है, उसकी मम्मी को, कि उसके नींद में कोई खलेल ना पहुँचाए, कोई उसकी नींद को उड़ाड़े नहीं, कोई उसको उठा ना दे। ये सब चीज़ें देखने का काम एक मम्मी करती है, और कैसे किस तरह से उसका बच्चा शांति से सोए ये सब देखती है। आज के हमारे इस पोएम में ये जो लेडी है उसकी जो छोटी सी लड़की है वो झूले में सो रही है। इस पोएम में हम एक मम्मी का जो टेंशन है, उसकी जो एंजाइटी है कि उसकी लड़की सोई है और कोई भी उसकी नींद को डिस्टर्ब ना करे, ये हम देखने वाले हैं। अ ललबाय इज प्रेजेंटेड हियर। लव फॉर द डॉटर हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय द वेरियस एडजेक्टिव्स यूज्ड बाय द मदर। Point to note, in the chapter is the Sanskrit presentation of the voices, noises made by a crow, cat, dog and mosquito. इस chapter में हम कौवा, बिल्ली, कुत्ता और mosquito मतलब मच्छर द्वारा निकाली हुई अलग अलग आवाज़ भी देखने वाले हैं। उसी तरह से मम्मी ने अपने लड़की के लिए जो अलग अलग विशेषणों का यूज़ किया है, एडजेक्टिव का यूज़ किया है, वो भी आज हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन चैप्टर। पुत्री मम खलु निद्राती, पुत्री मम खलु निद्राती, सुंदर शयने सुखमय वसने पुत्री मम खलु निद्राती। पुत्री मम खलु निद्राती मीन्स माय डॉटर इज स्लीपिंग, माय डॉटर इज रियली ट्रूली स्लीपिंग। और किस तरह से सोई है मेरी लड़की, सुंदर शयने इन अ ब्यूटीफुल बेड, सुखमय वसने इन अ कंफर्टेबल क्लोथ्स। पुत्री मम खलु निद्राती, माय डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग इन अ ब्यूटीफुल बेड एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स, माय डॉटर इज स्लीपिंग। सोते टाइम हम कैसे कपड़े पहनते हैं जो हमें कंफर्टेबल रहे, वैसे। अभी मम्मी कौवे को कहती है, रे रे वायस कर्कश कंठ, वायस मतलब कौवा, क्रो, रे रे वायस कर्कश कंठ, मारट मारट कर्ण कठोरम, श्रांता क्लांता पुनर्मुनीता पुत्री मम खलु निद्राती। मम्मी कौवे को कहती है, कौवे का वॉइस कैसा होता है, कर्कश, हार्श, ओ क्रो विद हार्श वॉइस, डू नॉट मेक नॉइस, मारट, डू नॉट मेक नॉइस, कर्ण कठोरम मतलब अनप्लीजेंट टू द ईयर, कानों को जो सहन ना हो, ऐसा वॉइस किसका होता है, कौवे का। श्रांता क्लांता पुनर्मुनीता, माई टायर्ड विदर्ड एंड लव्ड वंस मोर डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग। श्रांता क्लांता मतलब टायर्ड और विदर्ड, मेरी जो डॉटर है वो सच में सो रही है। उसके बाद आती है बिल्ली, म्याव म्याव कुरु घोर विरावम, चल चल रे खल चोर बिड़ाल, स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा पुत्री मम खलु निद्राती। बिल्ली कैसे वॉइस निकालती है, म्याऊ म्याऊ, और बिल्ली को क्या कहा गया है, खल चोर बिड़ाल मतलब कनिंग थीफ कैट, ओ कनिंग थीफ कैट, डू नॉट मेक द साउंड म्याऊ म्याऊ, गो अवे
चल चल मतलब गो अवे, यहाँ से निकल जा। स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा, माई जेंटल एंड इनोसेंट डॉटर। स्निग्धा मुग्धा जेंटल एंड इनोसेंट डॉटर हु हैज जस्ट ड्रंक मिल्क। सेवित दुग्धा मतलब जिसने अभी अभी दूध पिया है, ऐसी मेरी लड़की सो रही है। कौवा हुआ बिल्ली हुई, अब बारी है कुत्ते की। उच्चे माँ भश शुनक वरा, भौ भौ माँ कुरु कार्य विहीन। विमला कुशला सुमनो मृदुला, पुत्री मम खलु निद्राती। उच्चे माँ मतलब जोर से मत भौ, शुनक वरा मतलब कुत्ता डॉग, भौ भौ माँ कुरु कार्य विहीन मतलब बिना काम के भौंकना बंद कर। ओ विकेट डॉग डू नॉट बार्क लाउडली, ओ यू आइडल बींग डू नॉट डू बव बव। माय डॉटर हु इज क्लीन एक्सपर्ट एंड डेलिकेट, विमला कुशला एक्सपर्ट एंड डेलिकेट, सुमनो मृदला, सुमनो मृदला मतलब डेलिकेट एज अ फ्लावर, इज ट्रूली स्लीपिंग। कुत्ते को कैसे कहा है उसने कि वो एक आइडल है, कार्य विहीन मतलब बिना काम के वो भौंक रहा है, तो मेरी लड़की जो है वो सो रही है इसलिए भौंकना बंद करे। रे रे मशक मा कुरु गान, अभी बारी है मच्छर की। रे रे मशक मा कुरु गानम, मा स्पृश मा दश रक्त पिपासो, सुदती सुमुखी शोभन गात्री, पुत्री मम खलु निद्राती। रे रे मशक मतलब ओ मॉस्किटो, डू नॉट सिंग, माँ कुरु गानम मतलब गाना मत गा, और गाने के साउंड कैसा है उसका, बजिंग साउंड होता है, कैसा होता है बजिंग साउंड। माँ स्पृश माँ दश मतलब उसको काटना मत, डू नॉट टच, माँ स्पृश मतलब डू नॉट टच, माँ दश डू नॉट स्टिंग, उसको स्पर्श भी मत करना और काटना भी नहीं। सुदती सुमुखी, माई डॉटर इज सुदती विथ ब्यूटीफुल टीथ, कैसे उसके दांत ब्यूटीफुल, और सुमुखी मतलब फैक्सिनेटिंग सुंदर, ऐसी सुंदर फेस वाली मेरी लड़की। शोभन गात्री मतलब लवली लिम्स, उसके हाथ पैर भी बहुत अच्छे हैं तो कहीं पे उसको काटना मत। ये पोएम है विश्वास की, क्या है इसके पोएट का नाम, विश्वास। आई होप बच्चों आज आपको ये लोरी बहुत पसंद आई होगी, इसकी एक्सरसाइज मैं आपको पीडीएफ कर दूंगी। ओके बाय।